दोस्तों, आपने इजिप्ट में पाई जाने वाली मम्मी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें किसी मरे हुए इंसान के शरीर को संभाल कर रखने के लिए मम्मी बनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इजिप्ट के लोग मरे हुए इंसान की बॉडी को मम्मी कैसे बनाते थे? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस मरे हुए इंसान के शरीर को मम्मी बनाया जाता है, उसके शरीर से फेफड़ों को छोड़कर सभी पार्ट्स को निकाल लिए जाते हैं, जिसके बाद दोनों हाथों को इस तरह की पोजीशन में रखकर बॉडी को 40 दिनों के लिए नमक में रखा जाता है, जिससे कि नमक बॉडी में से पूरा मॉइस्चर सोख लेता है। उसके बाद बॉडी के ऊपर खास प्रकार का ऑयल और प्लांट रिजेक्ट लगाया जाता है, जिसके बाद बॉडी को लिलिंग फाइबर से कवर कर दिया जाता है और कई सारी रिजेंट की लेयर बनाई जाती है। उसके बाद मम्मी के साथ मिस्टीरियस पाउंड, और अगर इंसान किसी बीमारी के कारण मरा हो तो उसके साथ एक मम्मीफाइड बर्ड भी रखा जाता है, जिसके बाद फिर से प्लांट रिजेक्ट लगाकर उसे चारों तरफ से स्ट्रिप्स लगाकर उसके ऊपर मरे हुए इंसान की फोटो लगाई जाती है, और आखिर में मम्मी को बड़े कपड़े में कवर करके उसके ऊपर कई तरह के निशान बना दिए जाते हैं, और इस तरह मम्मी को कबर्ड में बंद करके रेडी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मम्मी बनाने का सही प्रोसेस समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।